किनसे मिलेगी, किनसे? फूल वालों से। देहरादून जैसी सिटी कहीं सिटी नहीं है, ऐसी सिटी है, बेस्ट सिटी है। अरे क्या बात कर दी, माँ भी बेटे का धन्यवाद कर सकती है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी देखिए मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। ये देहरादून का रेलवे स्टेशन, ये देखिए कितना ऊंचा फ्लैग लगा हुआ है अपना तिरंगा झंडा, और यहां पे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में लिखा हुआ है देहरादून। ये मैंने सुना था संस्कृत में भी लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उधर वहाँ पर प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम है और हॉल टिकट है। देहरादून से जो एक ट्रेन चलती है, देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेस, स्पेशल एक्सप्रेस चलती है और वो डेली चलती है, तो उसमें आज सफ़र करने वाले हैं। हमारा सफ़र रहेगा देहरादून से हरिद्वार तक के लिए। तो हरिद्वार में आजकल कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसको देखते हुए मैं बस से नहीं जा रहा हूँ, ट्रेन से निकल रहा हूँ। यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी। तो देखते हैं कहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। उत्तर रेलवे देहरादून स्टेशन आपका स्वागत करता है। तो इस तरीके का है कुछ, और अंदर का नज़ारा ये है। बढ़िया है यार, यहाँ पे तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, एकदम खाली। और यहाँ पे भी टिकट मिलती है, देखो पूछताछ खिड़की है यहाँ पे, और यहाँ पे टिकट मिलता है पूरा। तो ट्रेन हमारी 4374 देहरादून सहारनपुर 7:45 पे जाएगी दोस्तों। अभी टाइम हुआ है 7:28। एक पर खड़ी है हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। टर्मिनल है दोस्तों, यहीं पे लास्ट स्टेशन है ये देहरादून, इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। मस्त है यार। तो गाइस यहाँ पे एक पोपट हो गया है अपना, ये देखो इसमें ट्रेन को दिखा रहा है, ये वाली सहारनपुर एक्सप्रेस स्पेशल। मैंने समझा इस एक्सप्रेस ट्रेन होगी, बट ये देखो देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। तो ये पैसेंजर ट्रेन है, चलो कोई नहीं, एक घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, वैसे भी इतने टाइम लगता है बस में भी। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ये ट्रेन है अपनी, यहीं पे बैठ लेते हैं यार, क्या ही जा रहा है। लास्ट है सेकंड वाली, ये बहुत लंबी ट्रेन है यार ये। तो चलो चलते हैं और बैठ जाते हैं इसमें, बैठना तो क्या ही है। तो गाइज अब ये ट्रेन तो चलनी स्टार्ट हो गई है, वाराणसी देहरादून 14265। ये देखो ये भी बहुत लंबी ट्रेन है यार, ओ भाई। ये देखो पूरी ट्रेन निकल गई, लास्ट में ये बची है DL1 वाराणसी देहरादून 14265 UP एक्सप्रेस गई। और इधर ही अपनी खड़ी हुई है, ये देखो देहरादून सहारनपुर पैसेंजर, इसने पोपट कर दिया यार, ये पैसेंजर है और उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन। और देखो पानी की बर्बादी, और इसमें वाल भी नहीं है, अगर कोई सोचे ना कि इसको बंद कर दो तो ये बंद भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वाल भी नहीं है इसमें। पानी की बर्बादी बहुत होती है यार। और उधर मसूरी के पहाड़, और इधर ये क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं। 7:35 हो गया, 7:45 में अपनी ट्रेन निकल जाएगी। पिछले लोग हैं वो उसमें चोरी कर लेते थे। अच्छा उधर चोरी भी होती थी। मद्रास पट्टी है। अच्छा तो पहले पे एक नंबर ये था, पहले एक नंबर ये था। ओके अभी एक नंबर ये, दो नंबर उसकी तो दूसरी तरफ, जबकि एक नंबर वो होना चाहिए था, होना चाहिए था जो क्या दे मैं है। हाँ। अब एक नंबर, एक नंबर दो नंबर फिर ये तीन नंबर बढ़ा दिया। देहरादून सिटी कहीं सिटी नहीं है, हाँ ये सिटी है, बेस्ट सिटी है। दूर दूर से लोग आ गए, बसे हुए हैं भैया, बिल्कुल सब तरह के लोग बसे हुए, हर कास्ट का लोग, हर धर्मी आदमियों को बहुत देहरादून में इतना भाईचारा है, कहते हैं कि बात में बड़े भैया क्या बताएं अपने, मुझे अच्छा लगता है। इंसानियत देखनी हो ना तो कहीं गांव में चल के देखो कि कैसे लोग आपको साज मच्छी क्या क्या खिलाएंगे, आप कुछ कुछ सोचोगे यार, ये शहर के लोग नहीं कितने गाँव के लोग प्यार करते हैं। झांझरा में, प्रेम नगर में, नीचे या गढ़ीगढ़ में चले जाओ, नेपाली लोग हैं, खाना मांग लो आप इनसे, एक बार खाना मांग लो बड़े भैया आपको बैठाए खाना। आप कहाँ से हो? मैं भी देहरादून से हूँ। अच्छा देहरादून, 38 साल की एज होगी बड़े भैया। इधर पहाड़ से ही हो? पहाड़ से। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है अपनी, तो अभी निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, देहरादून से हरिद्वार के लिए। तो गाइस जर्नी बहुत मस्त होने वाली है, पैसेंजर ट्रेन है, मज़ा आएगा खूब। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे हम हरिद्वार पहुँचते हैं इस ट्रेन से। बैठ जा, 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 ब
यहाँ पे ना सीट को लेके पहले पंगे हुए और अब एक दूसरे को बैठाने पे लगे हुए। ट्रेन का सफर ना यार बड़ा मस्त होता है। अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी, अब एक दूसरे को बैठाने पे लगे, नहीं तुम बैठो तुम बैठो करके। हरिद्वार मिलती है दारू? हाँ, किनसे मिलेगी? किनसे? फूल वालों से। अच्छा जी। हाँ जी, फूल वालों से मिल जाएगी आपको। ठीक है, नहीं है ना वैसे हरिद्वार में? रोटी राटी पकाते हैं होटल है। वो रख रहे होंगे ना ब्लैक में। देखो ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये दिख रहे हैं आप, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये लेंस है सामने, आप कुछ भी बोलोगे इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। पानी में उगता है वो। तो जी आ गया है अब ये हर्रा वाला देहरादून के बाद फर्स्ट स्टेशन, फर्स्ट स्टॉप देहरादून से इस ट्रेन का। भीड़ है यार यहाँ पे भी, पीछे तो कोई नहीं है, पीछे तो बिल्कुल खाली है, आगे लगी है भीड़। हर्रा वाला में एक क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के बाद चलेगी, देखो ट्रेन आ रही है। अभी ये सेकंड स्टॉप आया है इसका देहरादून से हर्रा वाला, और ये है डोई वाला। तो यहाँ पे डोई वाला में रुकी हुई है अभी ट्रेन, छोटा सा स्टेशन है। तो गाइस दो मिनट के स्टॉप के बाद डोई वाला से ट्रेन चलनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी, हर्रा वाला में क्रॉसिंग थी तो वहाँ पे तो 10-15 मिनट रुकी है ट्रेन। और टाइम अभी डोई वाला में हुआ है हमें 8:45, तो 8:45 हो चुके हैं और ट्रेन है अभी डोई वाला से निकल रही है एक्चुअली। तो देखते हैं राइट टाइम पहुंच पाते हैं या नहीं हरिद्वार में। तो मज़ा आ रहा है यार सफ़र का ना। देखो हमें सबसे लास्ट वाली बोगी में है, पीछे एक ही बोगी है और एक गार्ड वाली, और आगे पूरी ट्रेन। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन रायवाला में। ये देहरादून से तीसरा स्टॉपेज है इसका रायवाला।
चौराहे वाला जंक्शन बन चुका है और डीजे की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई भाई। कावड़ चल रही है ना, डीजे डीजे बज रहे हैं, फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहे हैं यहाँ पे, नाम मजा आ रहा है। देहरादून एक्सप्रेस अमृतसर से चलकर देहरादून को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है, धन्यवाद। अमृतसर देहरादून इस ट्रेन का क्रॉसिंग था यहाँ पे। तो गाइज अभी देहरादून से ये चौथा स्टॉपेज आया है इस रेल का, जो कि है मोतीचूर। तो स्टेशन देखो, मैं तो सबसे लास्ट वाली बोगी में हूँ ना, तो स्टेशन का तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे है। ये देखो मैं पूरे जंगल में रुका हूँ, ये देखो लास्ट वाली है, इसके आगे ट्रेन, इसके पीछे खाली बिल्कुल, और सामने का पहाड़ दिख रहा है बिल्कुल, ये देखो, और ये जंगल पूरा, और स्टेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मोतीचूर का, ये देखो छोटा सा स्टेशन है। और फोर्थ स्टॉपेज आया है ये देहरादून से इस ट्रेन का, और इसके बाद है फिर हरिद्वार। तो गाइज यहाँ पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन आने वाला है और पैसेंजर लोग उतरने का तैयारी कर चुके हैं, देखो सबसे आगे है। अंकल सबसे पहले आप ही उतरोगे। अंकल सबसे पहले सामान निकाल के रखा है, मेरे से पहले कोई नहीं उतरेगा। अरे तीनों का साथ में बन जाएगा, आंटी जी शूट कर रहे हैं, आंटी जी शूट हो रहा है, साथ में हो जाएगा, तो क्लोज हो जाएगा, आ जाओ। अरे आंटी हाँ माँ जैसी हो, हमने हमने उनको पता है बोल, हमने कुछ गलत बोला तो कुछ बोल देना तो फिर हाँ। अरे क्या बात कर दी, माँ भी बेटे का धन्यवाद कर सकती है। तुम्हारे पीछे टीटी खड़े हैं, ये देखो टिकट चेक कर रहे हैं, अच्छी प्रतिष्ठा वाले को पकड़ रहे हैं, आपको नहीं पकड़ा हुआ है मां को, मुझे पता है कि ये भोले वाले लोग मार भी देंगे। अच्छा भोले वाले लोग हैं, मार भी देंगे, वाह। इसीलिए प्रदूषण वाले को रोक लेते, आ जा भाई तेरे पास ही नहीं है। सही है ला, आपके साथ सफर में मजा आया आज। ओह थैंक यू बाबू। तो चलो गाइस इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लेना प्रेस, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।